हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैम छो, आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पति से हम कैसे सम्मान पाए। ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, उन्होंने पूछा है मुझसे कि मेरे पति मेरी वैल्यू करें, ये कैसे मैं समझूं या क्या करूं इसके लिए। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हम हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमारे सामने होते हुए भी हम समझ नहीं पाते, या हमसे कहते हैं ना, चूक हो जाती है, हमारे भूल हो जाती है, या हम नज़रअंदाज कर देते हैं उन बातों की, क्योंकि हमें लगता है कि इन बातों की कोई अहमियत नहीं है या इन बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पर हमारी बहुत सारी चीज़ों में गलती हो जाती है दोस्तों। जैसे आपने पूछा है मैम कि कैसे मैं अपने पति से रिस्पेक्ट पाऊँ या कैसे मेरे पति मेरी रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले जो बहुत ही एक कॉमन बात है कि आप अपनी इज्जत खुद कीजिए तो दुनिया आपकी इज्जत खुद करेगी। तो सबसे पहले आप अपनी इज्जत खुद कीजिए, अपनी केयर कीजिए। एक बार क्या होता है कि इंसान जब गृहिणी बन जाती है, स्पेशली फीमेल्स में ये बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत बार मैंने पास्ट के वीडियो में भी बोला है कि औरत वहाँ पर जाके मार खा जाती है कि जब वो घर के काम में, घरेलू काम में अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त कर देती है, बच्चों में, खाना बनाने में, किचन में, हर एक काम में वो तत्पर रहती है, बराबर सारे काम करती है, लेकिन जहाँ पति को समय देने की बात आती है, पति के लिए एकदम परफेक्ट रहना, क्लियर रहना, कहते ना सच के रहना, तैयार रहना। तैयार रहने का मतलब ये नहीं है कि आप ढेर सारे, वो कहते ना, मेकअप करके रखिए, बहुत सारे ज्वेलरी पहन के रखिए, एकदम हाई फाई तैयार होकर, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रहिए, नहीं। ज़रूरी है कि आप साफ सुथरे रहें और आप एक अच्छा प्रॉपर आपका लुक हो, जैसे आप हो। कहते हैं ना, सुंदरता सामान्य दिखने में जो जितनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, उतना ज़्यादा सज धज के, तो वो कहते हैं ना, एक कॉमन बात होती है कि सज के तो कोई भी अच्छा लगता है, लेकिन आप कितना एक अपने आप को कैरिंग में रख सकते हैं। अगर आप शलवार कमीज़ पहन रहे हैं तो प्रॉपर आपका शलवार कमीज़ क्लियर होना चाहिए, छोटे से आपके कान में होना चाहिए, हाथ में आपके एक कड़ा होना चाहिए, एक सुंदरता का, जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है कि आपने बहुत सारा मेकअप कर लिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहन ली। एक क्लियर रहना, अच्छा रहना, कि सामने वाला व्यक्ति देखे, यार जब देखो एक प्रॉपर दिखती है, एकदम परफेक्ट दिखती है। ये आप अपने आप में खुद ला सकते हैं चेंजेस, के आप अपनी केयर करेंगे तो सामने वाला आपकी केयर अपने आप करेगा। अब आपने अपनी केयर तो कर ली, दूसरा क्या करना है, आपको अपने पति की भी केयर करनी है। कई बार क्या होता है कि घर संभालने में, बच्चे संभालने में, या अल्टीमेट चलिए खुद को भी कहीं ना कहीं संभाल लिया, पति की केयर रह जाती है। पति की केयर कैसे रह जाती है, बोलेंगे कि हम तो बराबर अपने पति का ध्यान रखते हैं, उनका खाने का ध्यान, उनका टिफ़िन का ध्यान, उनको प्रॉपर उनके कपड़ों का ध्यान। तो सिर्फ खाना कपड़ा यही सब नहीं होता है। अगर आपके पति का केयर की बात आती है तो केयर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपके पति को आपसे कुछ समय बात करनी है, या अपनी वो किसी परेशानी में है, किसी डिप्रेशन में, या आपका वो साथ चाह रहे हैं या कह नहीं पा रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप बिज़ी, आप कहीं ना कहीं काम में व्यस्त है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो आपको आवाज़ देने में अपने आप को कहते हैं ना, सही नहीं समझ रहे या असुविधा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि घर में लोग क्या समझेंगे, या बच्चों का काम रह जाएगा, या माँ का रह जाएगा, या कुछ रह जाएगा। वो सोच के अगर वो आपके पति रुक जा रहे हैं, तो आप उनके हाव भाव को पहचानना चाहिए, उनकी परेशानी को पहचानना चाहिए। आप इस चीज़ में आपको केयर होना चाहिए, उनके इमोशन की जो बात है उसको जो आप केयर कर लेंगी ना, तो आपका पति जितना आपको प्यार करेगा, जितनी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, दुनिया में किसी की नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बिन कहे आपने उनके मन की बात को समझा है, बिन कहे आपने उनकी केयर की है, बिन कहे, बिन बुलाए आप उनके पास गए हो। ये जो केयरिंग है ना, मन की बात समझना, मन की बात इंसान तभी समझ सकता है, तभी उस चीज़ को अप्लाई कर सकता है जब वो मन से जुड़ता है। दोस्तों, कई बार हमारी व्यस्तता में हम क्या होता है, अपना मन तो कहीं किसी कोने में, एक साइड में पड़ा होता है, हमें उसकी परवाह भी नहीं होती है, बस हम लगे रहते हैं वो कोल्हू के बैल की तरह, गधे की तरह, बस काम करना है, काम करना है, ये काम खत्म करना है, वो काम खत्म करना है, इसको यहाँ छोड़ना है, उसको वहाँ से लेने जाना है, ये बर्तन निपटाना है, कपड़े करने, खाना बनाना है, 100% करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ में अपनी केयर के साथ अपने पार्टनर की, अपने जीवन साथी की, जिससे आप चाहते हो कि वो आपकी केयर करे, वो आपसे प्यार करे, वो आपको समझे, तो सबसे पहले आपको उन्हें समझना होगा, सबसे पहले आपको वो समय देना होगा, सबसे पहले आपको उनके दिल की बात समझनी होगी। कैसी कौन सी चीज़, ऐसी कौन सी बात है, या ऐसा क्या है कि आज ये चुप है, ऐसी क्या बात हुई कि आज इनके चेहरे पर स्माइल नहीं है, ऐसी क्या बात है कि ये आज दुखी दिख रहे हैं,
ऐसा क्या हुआ कि आज इनको खाने में इंटरेस्ट नहीं है? कई बार क्या होता है कि इंसान बाहर से परेशान होकर खाना खाना नहीं चाहता, हंसना नहीं चाहता, टीवी देखना नहीं चाहता, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो कुछ प्रॉब्लम होगी, ये चलो वाला जो बिहेवियर है या जाने दो संभल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप सामने से जाएंगे, सामने से पूछेंगे, तब वो व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा, वो कैरिंग आपकी नज़र आएगी, वो आपका अपनापन, वो आपका क्या कहते हैं चाहना, आपकी एक लालसा जानने की कि नहीं क्या हुआ है, बताइए ना, प्लीज़ बताइए। तो वो जो चीज़ है सामने वाले व्यक्ति को आपकी तरफ आकर्षित करेगी कि इसको मेरी बहुत फिक्र है, ये मेरे बारे में बहुत सोचती है, ये मेरे बारे में बहुत कहते हैं ना दिल से मुझे चाहती है, मेरे दिल की बात समझ जाती है। तो ये जो बात है कि केयर करना, केयरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तीसरी बात क्या है, जैसे कि बहुत सारी औरतों में ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी हो टॉन्ट बहुत जल्दी मार देते हैं, और ये औरतों में ही नहीं है, आदमियों में भी है बाय द वे। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि पति से सम्मान कैसे पाना, तो औरतों की बात कर रही हूँ मैं इस वक्त, कि औरतों को टॉन्ट करना बहुत अच्छा लगता है, या वो इनबिल्ट है, या पता नहीं आजू बाजू की चीज़ों को, सराउंडिंग को देख के सीख जाती है, क्या होता है आई डोंट नो, बट ये होता है। जो ये टॉन्टिंग वे है ना, आदमियों को कभी पसंद नहीं आता। अभी जैसे कि समझिए, एग्जांपल ले लीजिए कि आदमी बाहर से काम पर आया, जस्ट वो बैठा है, रिलैक्स कर रहा है, कोई फ़ोन आ गया। अब फ़ोन आ गया, फ़ोन पे बात करते करते चलिए समय निकल गया, ज़्यादा समय निकल गया, हाँ आप तो आ गए ऑफिस से, ऑफिस से आने के बाद फ़ोन पे लगे रहते हैं, पता नहीं किससे लगे रहते हैं, हमारे पास तो बस बात करने के लिए टाइम नहीं होता है। हाँ भाई, हमसे बात क्यों करेंगे, फ़ोन पे जो बात पे रहते हैं, कोई ना कोई तो होगा, कोई खास ही होगा। अब ये सारी चीज़ें क्या हो गई, टोंटिंग हो गई। अब आपने अपना फ्रस्ट्रेशन दिन भर का तो निकाल दिया, पर क्या निकाला आपने, अपने पति पे निकाला। अब वो व्यक्ति क्या मालूम काम की बात कर रहा था, अपने रिलेशन वालों से बात कर रहा था, अपने दोस्त से बात कर रहा था, बट आप ऐसे भी तो पूछ सकते थे ना, विदाउट टोंटिंग, बिना ताना मारे आप पूछ सकते थे, आपका फ़ोन पर बात हो जाए तो प्लीज़ ज़रा मुझसे बात कर लीजिएगा, या आपकी फ़ोन कम्प्लीट हो जाए तो हम दो मिनट बात करेंगे। हाँ देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा लगे रहो फ़ोन पे, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे लिए टाइम कहाँ है, ये अच्छा है, या प्लीज़ आपका फ़ोन हो जाए तो दो मिनट मुझसे बात कर लेना, मुझे थोड़ा काम है आपसे। कितना सहज, कितना मधुर, कितना सीधा सादा साधारण सा है। बहुत टफ, बहुत मुश्किल, पहाड़ उखाड़ने वाला काम तो है नहीं, लेकिन क्या होता है टोंटिंग में बड़ा मज़ा आता है। उसमें क्या हो जाता है, आपके प्रति जो भावना, आपके प्रति जो एक धारणा बनना शुरू हो जाती है, यार मैं तो घर जाऊंगा किच 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 किट 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 चालू हो जाएगी, ये ताने ही मारेगी, इससे तो सीधे मुंह बात ही नहीं होती, इसको तो बात करने का सेंस ही नहीं है, जब देखो तब आड़ा बात करती, इससे क्या बात करना। तो क्या हो गया, दूरियां अपने आप बन जाती है। अब दूरियों को ख़त्म करने के लिए पहल भी आप ही को करनी है। सबसे पहले तो आप अपने बोलने का तरीका चेंज कीजिए, जो बात आपको रखनी है, जो भी आपको कहना है, जो भी समझाना है, प्रेम से कहिए, बातें वही होती है, कहने के तरीके को बदल दीजिए। सबसे पहले और ख़ास तो यही कीजिए कि टोंटिंग को अपनी लाइफ से गेट आउट कर दीजिए। टोंट मारेंगे तो आप कभी भी क्लोज नहीं आ सकते, कभी भी पास नहीं आ सकते, टोंटिंग आपको हमेशा दूरियां ही बढ़ाती जाएगी। और एक बार दूरी बढ़ना दोस्तों शुरू हो जाती है ना, फिर उसे ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे मैंने मेरे वीडियोज़ में कहा है कि बहुत लोग कहते हैं कि दूरियां प्यार बढ़ा देती है, दूरियां रिस्पेक्ट बढ़ा देती है, ऐसा कुछ होता नहीं, दूर मतलब दूर ही हो जाता है बंदा, पास कभी नहीं आ सकता। ये बहुत सारी बातें ऐसी है, पुरानी बातों में से कुछ बातें सही है, बहुत सारी बातें गलत भी है। कहते हैं ना, बातें बनते बनते बनती जाती है, लोग बनाते जाते हैं और लोग सुनते जाते हैं, बस बात वही है। तो ज़रूरी नहीं है कि दूरियों से रिश्ते बढ़ते हैं पनपते नहीं, दूरियों से रिश्ते टूटते हैं, घटते हैं और कम हो जाते हैं, और अल्टीमेट एक दूसरे को लोग भूल जाते हैं। सो अपनी टोंटिंग वे को क्लोज कर दीजिए, अपना केयर कीजिए, अपने पति का केयर कीजिए, और अब सबसे अहम, खास और आखिरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि नहीं, मतलब मैं तो पूरा दिन घर में रहती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, मैं क्या काम कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, ये सारे एक्सक्यूज़ देना, ये सारे बहाने बनाना, ये सारी चीज़ों को अपने मन में तय कर लेना, कन्फर्म कर लेना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ये गलत बात है। क्यों,
इसका उदाहरण मैं आपको इस प्रकार दे रही हूँ कि आप सुनिए, मैंने जैसे कहा कि आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी प्रवृत्ति में मतलब किसी कार्य में या किसी काम में जुड़े रहेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे आपको होंगे, किसी और को नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप कहीं मतलब बहुत बड़ी पोस्ट पे है या आप कुछ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप छोटी छोटी भी चीज़ें करेंगे ना, जैसे कि आप हाउसवाइफ है तो आप अपनी सोसाइटी में एक कहते हैं ना अच्छे से तालमेल बिठा के एक दूसरे की कहते हैं ना हेल्प कीजिए, किसी की कोई प्रॉब्लम है उसमें खड़े रहिए, अपने सोसाइटी के कहते सेक्रेटरी बन जाइए, उसके चेयरमैन बन जाइए, उसके मतलब कोई ना कोई आप इतना ऐसा काम कीजिए। चलिए वो चीज़ आप नहीं हैंडल कर सकते, आप सोसाइटी का काम हैंडल नहीं कर सकते, आप घर में ट्यूशन लेना शुरू कर दीजिए। आप जितना भी पढ़े लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत मतलब एकदम हाई लेवल की आपकी पढ़ाई है, नॉट नेसेसरी। आप अगर कम से कम भी पढ़े हैं तो 1 से 5 का तो आप ट्यूशन ले सकते हैं। आप छोटे बच्चों को चलो ट्यूशन नहीं ले सकते, केयर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी अगर आपकी लाइफ में जोड़ देंगे, किसी भी सामाजिक दृष्टि वाली मैं बात कर रही हूँ, कि जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, जॉब कर रहे हैं वेल एंड गुड, उसके लिए भी मैंने आप पास्ट में वीडियो बनाया कि जॉब करना अच्छी बात है, अपनी पोजीशन बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार आना गलत बात है। सो वो एक अलग टॉपिक है, आप चाहे तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बात अभी इस वक्त हम ये कर रहे हैं कि आपको किसी न किसी प्रवृत्ति में, किसी न किसी काम में अपने आप को बिजी व्यस्त रखना, जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपकी एक्टिविटी होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, प्लस आप जो चीज़ें कर रहे हो, जो चीज़ों में आप जुड़े हो, जो चीज़ें आप अपने आजू बाजू में जो कर रहे हो, जो आप अपना कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड जो आप ला रहे हो, तो वो चीज़ आपका पति नोटिस करेगा, आपके अंदर के चेंजेस को नोटिस करेगा। और जब आप सामाजिक दृष्टि से किसी के काम आते हो, चाहे आप ट्यूशन ले लीजिए जैसे एग्जांपल दिया मैंने, बच्चों को संभालना ले लीजिए, सोसाइटी ले लीजिए, औरतों के लिए स्टैंड लेना ले लीजिए, किसी भी तरीके की जो क्वालिटी आपके अंदर आप करेंगे तो वो खुश होगा, उसे लगेगा कि मेरी बीवी में क्या कमाल की कला है, क्या कमाल की खूबी है, कि ये चीज़ ये कितने अच्छे से हैंडल कर लेती है, कैसे कर लेती है, अच्छी बात है यार, इसको इतना नॉलेज दिया है ऊपर वाले ने। तो वो चीज़ उसके अंदर रहेगा कि यार मेरी बीवी में क्वालिटी है। ये जो क्वालिटी है ना, आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी अपने अंदर, खुद पैदा करनी पड़ेगी और खुद उस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सिर्फ 24 घंटा वो घर में रहते हैं तो आप एक अपने आप में एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाते, एक इरिटेशन में आ जाते और वो आपके बिहेवियर में नज़र आता है। और वो बिहेवियर आप पूरे का पूरा कहाँ पर उतारते हैं, जो आपके सबसे करीब है आपका जीवन साथी पति पर। अब बिहेवियर आपका जो गंदा नेचर, आप पूरा जो पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन उतारने के बावजूद क्या हो जाता है, वो दूरी कायम कर लेते हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बातें बहुत बड़ी नहीं हैं, बातें बहुत छोटी सी हैं, मामूली लगती है लेकिन मामूली होती नहीं है। छोटी छोटी बातों से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हम हमारे जीवन में कर सकते हैं। जैसे बताया कि आप अपना केयर कीजिए, अपने पति का केयर कीजिए, टोंट मारना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, जो भी आपको बात करनी है, जो भी चीज़ आपको अपनी रखनी है, बहुत प्यार से, बहुत सरलता से, बहुत अच्छे शब्दों में उनके सामने रखिए और अपने लिए कोई एक अच्छी एक्टिविटी ढूंढिए, एक अच्छे काम में आप जुड़ जाइए, जो नज़र आना चाहिए घर में आपके पति को, आपके घर वालों को, कि हाँ ये अच्छा काम कर रही है। उससे क्या होगा, इनकम ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको वापस से मेंशन कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपकी इज्जत बढ़ती है, आपके बारे में सोचने का नज़रिया अलग होता है और आपकी खुद की नॉलेज बढ़ती है, एक आपकी पोजीशन बनती है। और आप जब बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको भी ज्ञान नहीं होता, आप नहीं जानती है या नहीं समझ पाती है, वो चीज़ें आप दूसरों का दुख समझ के, दूसरों की बातें सुन के समझ पाती है। हमेशा जैसे कहते हैं ना, हम दूसरों का दुख या गम सुनते हैं तो हमारा अपना खुद का दुख परेशानियाँ हमको कम लगती है, लेकिन अगर हम एक कहते हैं रूम में ही बंद रहेंगे, अपने आप में ही रहेंगे, अपने दुख को हवा और पहाड़ बना के रहेंगे, तो हमें वही चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी लगेगी और उसी चीज़ में हम डूब के रह जाते हैं, फिर हम उसमें से उभर नहीं पाते और उसका असर, उसका जो रिफ्लेक्शन है हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर, हमारे जीवन साथी के ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने पति से सम्मान पाना चाहते हो, आप अपनी कहते हैं एक पोजीशन बनाना चाहते हो, आप एक इज्जत का नज़रिया चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपनी इज्जत खुद कीजिए, अपना केयर कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर का केयर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, समय दीजिए और उनकी अनकही बातों को सामने से समझ कर जाइए, तो फिर आपसे बढ़कर उनके लिए, आपसे बेहतर दुनिया में कौन हो सकता है।
कोई भी नहीं हो सकता है दोस्तों। आप अपनी इज्जत खुद बनाएंगे, आप अपनी पोजीशन खुद बनाएंगे, आप अपना कहते हैं ना नज़रिया खुद बदलिए, सामने वाले का अपने आप बदल जाएगा। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।